सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। अगर आप एसएससी स्टेनो और सीपीओ 2022 में पहले प्रयास में गवर्नमेंट एम्प्लॉई बनना चाहते हैं तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं वो 11 पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, और उन 11 पॉइंट्स को ना केवल याद रखना है बल्कि आपको उन पर अमल भी करना है। तभी जाकर के बच्चों आप ना केवल एसएससी या फिर स्टेनो सीपीओ कोई भी एग्ज़ाम्स आप क्रैक कर सकते हैं अपने पहले प्रयास पे ही। बस आपको फॉलो करना है इन 11 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, जिससे कि आप लोग अपना पहली बार में कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सके। सो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, एक एक पॉइंट ध्यान सुन लीजिएगा और लिख लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों के फ्यूचर में ये प्लान्स काम आए। सो दोस्तों पूरा प्लान अच्छे से तैयार कीजिएगा अपना, और एक एक चीज़ों को ध्यान दीजिएगा जितना हो सकता है, पूरा पूरा फोकस अपना पॉइंट टू पॉइंट मेरी बात पर दीजिएगा। सो दोस्तों सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जो आपको रखनी चाहिए, जब भी कोई आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो या एग्ज़ाम को कोई फॉर्म भर रहे हो, तो कोई भी अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सबसे पहले उसका सिलेबस पूरा अच्छे से जान लें, उसको लिखें या फिर उसका प्रिंटआउट निकलवाएं। बहुत सारे बच्चे इसी बात को लेकर के परेशान रहते हैं कि सिलेबस क्या है, क्या कुछ इसके अंदर आने वाला है, कैसा पैटर्न रहेगा, इसी चीज़ के बारे में उनको नहीं पता होता पूरी बात। सबसे पहले आपका काम ये होना चाहिए कि पूरा सिलेबस को आप लोग तो लिख लें या फिर उसका प्रिंटआउट निकलवा लें, मतलब कोई भी कमी आपकी तरफ से नहीं रहनी चाहिए सिलेबस को लेकर के। पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि मैं किस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ, क्या क्या इसमें आना है और मुझे क्या क्या करना है इसके लिए। अपने एग्ज़ाम्स का पुराना पेपर 10 वर्ष पुराना, कम से कम कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो तो कम से कम 10 वर्ष पुराना प्रीवियस ईयर पेपर लीजिएगा, क्योंकि कम से कम 35% किसी भी एग्ज़ाम्स में रिपीटेड क्वेश्चन ही आया करते हैं। टोटल 35 रिपीटेड आपके आएंगे, 35% जो कि बहुत बड़ा पोर्शन बैठता है बच्चों किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए। सो ये चीज़ें आपको सबसे पहले मन में ध्यान से रखनी है। तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों, अगर आप देने जा रहे हैं तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, SSCGL CHSL MTS IBPS क्लर्क या PO आदि के पुराने पेपर भी आपको सोल्व करने हैं बस अपने पाठ्यक्रम के अनुसार। ऐसा नहीं कि वो चीज़ आपके सिलेबस में हो ही ना और आप उसको सोल्व कर रहे हैं बैठ करके, मतलब लाइक आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं उस एग्ज़ाम में आपका मैथ रीजनिंग GK इंग्लिश आ रहा है, तो आप किसी और अन्य एग्ज़ाम्स का मैथ रीजनिंग GK इंग्लिश ही कीजिएगा, करंट अफेयर वगैरह आप उससे मत कीजिएगा। ठीक है, कोई भी चीज़ आप करने जा रहे हैं मतलब कोई भी एग्ज़ाम अगर आपका है तो उस एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू में उस एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए आप दूसरे एग्ज़ाम्स का सिलेबस उठाएं और उससे अपनी तैयारी करना शुरू करें, कोई भी चीज़ नया ना करें। मैंने कहा बच्चों जैसे कि आप SSC के कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये तो बिल्कुल उसी पैटर्न पे चलते हैं तीनों के तीनों, लेकिन IBPS अगर क्लर्क और PO आप उठा रहे हैं तो सिर्फ वो लीजिएगा जो आपके एग्ज़ाम पैटर्न से मेल खाता हो। नंबर चार पॉइंट देखिएगा, केवल प्रमाणिक किताबों या टीचर से ही पढ़े, मतलब केवल 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 बच्चों उन्हीं किताबों को आप सहारा लें जो प्रमाणिक हो, ऑथेंटिक हो। ऐसी कोई किताब बाजार में जो बिल्कुल लेटेस्ट आ रही हो, नहीं आ रही हो, जो सिर्फ कॉपी पेस्ट करके आ रही हो, ऐसी किताबों का सहारा बिल्कुल ना लें, क्योंकि कई बार किताबों में बच्चों बहुत सारी मिस्टेक आपको दी जाती हैं, वो मिस्टेक आपको समझ में नहीं आएंगे लेकिन जब आपका उनकी वजह से एग्ज़ाम हाथ से निकल जाएगा तब आपको बड़ा दुख होगा। सिर्फ प्रमाणिक किताबों या टीचर का ही सहारा लीजिएगा, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है बच्चों। तीसरी बात बच्चों, कभी भी किसी केवल कोचिंग के नोट्स के भरोसे आप ना रहें। मैं देखता हूँ आजकल यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो सिर्फ अपने नोट्स पढ़ा रहे हैं, कोई भी बुक का सहारा लेकर नहीं पढ़ा रहे। जैसे हम लोग आपको पढ़ाते हैं इंग्लिश, तो हम लोग आपको इंग्लिश क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों, आपको हम लोग इंग्लिश पढ़ाते हैं किरण बुक से जो कि ऑथेंटिक बुक है, MB बुक से जो कि ऑथेंटिक बुक है, मिरर बुक से जो कि ऑथेंटिक बुक है, लेकिन और चैनल वाले क्या करेंगे, वो इनको नहीं पढ़ाएंगे, वो सिर्फ अपने नोट्स पढ़ाएंगे आपको, टॉप 1000 क्वेश्चन, टॉप 2000 क्वेश्चन, टॉप 10000 क्वेश्चन, वो अपने क्वेश्चन खुद लेकर के आ जाएंगे, लेकिन कभी भी वो इन बुक्स को नहीं पढ़ाएंगे जो ऑथेंटिक बुक्स हैं। सो ऐसी चीज़ों से आप बिल्कुल बचें, किसी कोचिंग के नोट्स से या गाइड से जरूर बचें। कई बार तो कुछ कोचिंग उन्होंने तो अपना अपना पूरा पूरा पैटर्न निकाला हुआ है कि रीजनिंग की अलग बुक, मैथ्स की अलग बुक, उन्होंने अपने खुद की बुक्स बनाई हुई हैं, तो ऐसी चीज़ों से डेफिनेटली बचें बच्चों, 100% आप बचें इन चीज़ों से। खुद के नोट्स बनाएं, शॉर्टकट ना खोजें, मतलब किसी का भी बनाए हुए नोट्स को आप ना पढ़ें। अच्छा होगा कि आप खुद के नोट्स बनाएं, अगर आपने नोट्स ले भी लिए हैं तो फिर भी आप अपने खुद नोट्स बनाएं। बच्चों खुद से जब नोट्स बनाएंगे आप लोग, सबसे पहले आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी कि कौन सी चीज़ आपने कहाँ लिखी है, आपको ढूंढने में बहुत ज़्यादा खाने रहेगी। अगर आप उसी नोट से पढ़ेंगे जो उसने बनाए हैं दूसरे ने, आप लोगों को वो चीज़ें ढूंढने में बहुत दिक्कत होंगी जो चीज़ आप ढूंढना चाह रहे हैं। तो आप नोट्स खुद से बनाएं, जिससे कि आपको कोई भी चीज़ ढूंढने में बहुत आसानी हो, फाइंड करने में कोई दिक्कतें आपको ना आए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बच्चों, पूरे पाठ्यक्रम को एक बार पढ़ें, एक बार दोहराएं, एक बार सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करें, मतलब जो भी आपका पूरा सिलेबस उसको पढ़ लीजिएगा, फिर उसको दोहराइएगा और फिर सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस लीजिएगा। लगेगा रीजनिंग का अलग से प्रैक्टिस लीजिएगा, मैथ्स का अलग से लीजिएगा, GK GS का अलग से लीजिएगा, इंग्लिश का अलग से लीजिएगा, सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस आप अलग से लेकर के आ जाइएगा, सबके अलग अलग।
जिससे कि आप लोगों को प्रैक्टिस करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि जितनी होगी प्रैक्टिस बच्चों उतना ही होगा आपका फ़ायदा। सर प्रश्न जो परीक्षा में गलत हो जाते हैं उन्हें बार बार पढ़े, ऐसे कुछ क्वेश्चन जरूर होते हैं जो आपके हाथ से गलत हो जाते हैं, आपको बाद में मलाल होता है कि ये क्वेश्चन अगर मैं पढ़ लेता तो डेफिनेटली मैं एग्ज़ाम क्रैक कर लेता। सो दोस्तों उन क्वेश्चनों पर आप अपनी कमांड बनाएं जिससे कि आप लोग उन क्वेश्चनों को और अच्छे से कर सके, जितना अच्छा हो सकता है। बच्चों जो क्वेश्चन आपके बार बार गलत जा रहे हैं उनको बार बार सोल्व करने की कोशिश करें, मतलब उनके हाथ पीछे हाथ धो के पड़ जाएं जिससे कि आपसे वो क्वेश्चन बार बार गलत ना। और दूसरी बात बच्चों, समय बचाने और केंद्रित पढ़ाई के लिए कोचिंग ज्वाइन करें, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी हो लेकिन कोचिंग ज्वाइन करें। बहुत सारे बच्चे देखता हूँ वो सोचते हैं कि आजकल मैं देख रहा हूँ कि लाइब्रेरी का फंक्शन चल गया है तो बच्चे सोचते हैं कि सेल्फ स्टडी कर लें। सेल्फ स्टडी करें लेकिन किसी कोचिंग को ज्वाइन करने के बाद में, ऐसा नहीं है कि आप पूरा का पूरा यूट्यूब से कहीं से भी, मतलब आप सोच रहे कि मैं सेल्फ स्टडी से सारा कर लूँ, यूट्यूब भी ज्वाइन ना करूँ या फिर ऑफलाइन भी कोचिंग ना जाऊँ, तो बच्चों सेल्फ स्टडी से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इस तरह की स्टडी से बच्चों फ़ायदा होता है सेल्फ स्टडी से, लेकिन उसके रिजल्ट आपको 4 या 5 साल में दिखाई देते हैं, लेकिन अगर आपको रिजल्ट 1 साल में ही देखना है तो ज़रूरी है कि किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करना पड़ेगा, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन। सेल्फ स्टडी से केवल काम नहीं चलने वाला है। और बच्चों साफ साफ बात एक और चीज़ ध्यान दीजिएगा, स्टेनो या सीपीओ के लिए पढ़ने वाले उन टीचर्स या नए संस्थाओं सावधान रहें जो खुद स्टूडेंट्स हैं और अभी अभी जॉब्स पर लगे हैं। ऐसे में बहुत सारे यूट्यूब चैनल या टीचर देखता हूँ जिन्होंने अभी अभी सिलेक्शन लिया है और अपना खुद का कोचिंग सेंटर या फिर ऑनलाइन टीचिंग करानी शुरू कर दी है, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे उन पर भरोसा करते हैं, बच्चों को लगता है जब इसका सिलेक्शन हुआ तो हमारा भी होगा। लेकिन बच्चों खुद सोचिएगा, वो कभी भी आपको अपने से ऊपर नहीं ले जा सकता है, क्योंकि उनका खुद ही इतने पर सिलेक्शन हुआ है। बच्चों टीचर्स यानी कि कोई भी काम को करने वाला प्रोफेशनल ही होता है, चाहे वो कोई भी काम को करने वाला हो। उन्होंने अगर जॉब ली है तो आप उनसे पढ़े जहाँ से उन्होंने जॉब ली है, आप कभी भी उस व्यक्ति से ना पढ़ें जिसने जॉब ली है और अभी अभी उसने अपना सिलेक्शन लिया है। बहुत सारे बच्चे इस तरफ ज़्यादा भटक जाते हैं और गलत दिशा में वो अपना प्रयास करना शुरू कर देते हैं, फिर क्या होता है फाइनल रिजल्ट बच्चों उनके सिलेक्शन नहीं हो पाते हैं और उसका भी नहीं हो पाता है जो तैयारी करा रहा है। कमाल की बात तो ये है। तो बस बच्चों ऐसे बचे, मतलब क्या कहूँ मैं बस। और बच्चों सफलता ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम से पढ़ाई से मिलती है, इसलिए आप समय और धन की बचत करें, ऑनलाइन कोर्स लें। ऑनलाइन कोर्स में बच्चों सबसे बड़ी बात आपका समय बचता है, यानी कि आप घर बैठ के पढ़ सकते हैं, आप एक की जगह 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पढ़ सकते हैं, लेकिन किसी भी कोचिंग में जाएंगे तो वो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के साथ आपको पढ़ाएगा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। यहाँ आप लोग अच्छा होगा कि आप लोग ऑनलाइन कोचिंग करें, ऑनलाइन कोर्स लें और उससे पढ़ाई शुरू करें अपनी करनी। और बच्चों अगर आप लोग को मेरी बात पसंद आई हो तो आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा इंग्लिश अड्डा, जहाँ आपको दिन प्रतिदिन नई नई वीडियो देखने को मिलती हैं, मोटिवेशनल वीडियोस और लर्निंग वीडियोस भी। सो जुड़े रहिएगा हमसे इसी तरह से ही, और यूट्यूब पर जाकर के इंग्लिश अड्डा सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें और आप अपनी पढ़ाई में लगे रहें। चलते हैं बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।